जटा जटा काम लाग रही हो पानी और पानी लाग रही नहीं है तो नरेंद्र उड़ानियों के जटा जटा काम करावाएगी वोट तो सही दे भाई जाटी थोड़ी दे भाई वोट वोट दे दे, दे के सारो पुगियो मैं तो कौन दिया मैं तो कौन दिया जाई कोनी वो तो बात ही कोनी करे पानी का बोले मर तने कद कयो मैं कद का तने पानी लागे दूं ओ बा नाक काड़ी ललकार दे पीड़ो रे एकदम कोई मतलब नहीं काम करे जनता से कोई मतलब कोनी वोट मारे तो लांग में है ए लांग में हमें वोट आ बात और के माने सगे डरा और दे नरेंद्र बुढ़ानी या कहे आ कहे वोट मेरे कन्ने घणाई ठीक कोनी करयो भाई आप कहे अब वो मुंडो लुकोंता फिरे गांव मीने बिने और कदे तो कहे हाथ जोड़ा कदे कहे देश जोड़ा ये बाबा कह रहे कि बुढ़ाने तो जटा जटा काम करा था ना के लगे नहीं नहीं राजस्थान की सरकार तो कमजोर है तो आप लिप्त है मां बलवान पुनियो तो सरकार के मां सके तो सरकार की बात बोले लेकिन सरकार ही पेपर लीक कराने में लिप्त है कि राजस्थान में सी कांग्रेस अब सदा सदा के लिए विदा होने वाली है ये कहावत है कि जानते चोर का जिंटा अच्छा मैं यहाँ कहना चाहूँ कि एक बाप के दो बेटा हुए एक ने बाप सारो बैठो हाँ बैठ के बताओ एक ने तो पूरा धंधे दे रहे एक ने सीधो राख दे ना वो दूसरा सीधो रोड़ो बैठो कितो मतलब दुखी हुए अच्छा तेल पलम या होते हैं वो हकीकत बन चुके हैं इनकी यहाँ कांग्रेस यार तो क्या बीजेपी यार कौन करा बीजेपी यार कांग्रेस यार कौन करा यूं कहना कोई की गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार है वो काम करा है फुल यहाँ अपने कांग्रेस के एजेंट बिठा रखे हैं वो हफ्ता वसूली का काम करते हैं और कोई भी गरीब किसान यहाँ आता है तो उसका ये यहाँ न तो कोई काम होता है और न और होता है तो कांग्रेस और बापड़ो करा मेठ है बूढ़ा आदमी चावड़े में क्या दुख पावा दो तो आज धरनो देने से लगे कि हो जाए वो काम भाई नहीं हो जी तो रोनो तो मारे सारे है अब तो नहीं हुए तो नहीं हुए राकेश जांगिड़ का धरना मैं ना रहे हो राकेश जांगिड़ का धरना मारे हो तो मैं तो सीधा ही आवा सगड़ा में धरना में आवा मैं तो ये तो लग गया पाम सुमड़ा में आवा मतलब तारे वो काम करा अभी चले जाओ दे कितना दिन बैठोगा भाई उम्री गार्स का बात कर लिया नहीं किसान बात कर लिया नहीं फिर हटे ही को नहीं जिद कर ली आज तो गलो साहब ने कहो आज से चार पांच दिन पहले कह पेपर लीक तो राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं करिया ना कोई विधायक करिया ना कोई मंत्री करिया आ तो अपने आप ही हो गया अपने आप कोई किसाना में खेता ग्वालियों रेवड़ को ग्वालियों करिया मन मांगो मतलब वो एक है मारो किसाना का छोरा ने गरीबा का छोरा ने मजदूर का छोरा ने आते में तकड़ के मारी है आने कहा फांसी होनी चाहिए मारो खाने तो है वो न्यू कह के मैं वोटाने से बात करूँ थार से बात को नहीं करूँ तो वोट को तरने के बेटा वोट दिया नहीं दिया हम लोगों के साथ सोतला व्यवहार किया और इसके जिम्मेदार ये कांग्रेस का शासन और यहाँ के विधायक जिम्मेदार है होटला में रही चार साढ़े चार साल तानी आपस में लड़ता फिरे जूता फजीती करता फिरे क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा 12th की परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान IIM करियर अकेडमी पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कॉल 7023745264 नमस्कार मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24 RJ TV 24 की टीम लगातार गांव गांव ढाणी ढाणी जाती है और लोगों की समस्याएं जानती है इसी के चलते आज हम आए हैं चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जो लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ती है चूरू से और यहां पे किसानों का महापड़ाव है आज तो आइए जानते हैं कि ये किसानों का जो महापड़ाव है किस चीज़ को लेकर है और आपको बता दें कि ये जो भाजपा नेता राकेश जांगिड़ है उसके नेतृत्व में किया जा रहा है तो आइए जानते हैं राम राम बाबा आज जो यो महापड़ाव है यो के चीज़ ना ले रहे ओ सरकार की जो की नीति है वह जनता विरोधी नीति है किसान विरोधी नीति है नवयुवका विरोधी नीति है कोई तरह की व्यवस्था को नहीं और ए कारण है ओ पड़ाव दियो जा रही है अब क्रॉप कटिंग का है वहाँ पड़ोसी जिला में जो दियो जा सके है भुगतान करो जा सके है मुआवजा दियो जा सके है नुकसान किसान ने दियो जा सके है तो चूरू जिले के साथ भेदभाव क्यों और सगड़ी नौकरियां का माँ बार बार पेपर लीक होना कोई अच्छी बात थोड़ी है अब नवियों की कितनी तैयारी करें घराना का कितना सपना हुए और भाई मेहनत के बाद में पेपर लीक कर दें भाई लोग बाग खुला फिरता रहे और बाग ऊपर कोई कार्रवाई को नहीं हुए तो कोई संविधान लागू करने वाली सरकार को नहीं आ तो अव्यवस्था फैलाने वाली सरकार होगी ए सरकार ने कोई अधिकार को नहीं कहने है वो सत्ता में रहना चाहिए जनता के विरोधी सरकार होगी न कोई पानी आ रही है न टाइम पर बिजली आ रही है न कोई किसाना की सुनवाई हो रही है नवयुवका की हो रही है होटला में रही चार साढ़े चार साल तानी आपस में लड़ता फिरे जूता फजीती करता फिरे तो ए टाइप की सरकार नारी सरकार और बच्ची है एठा का विधायक है नरेंद्र बुढ़ानिया तो आज तक कोई शो कोई काम कौन करो कि जो किसाना के लिए कोई फायदेमंद रहे सरकार कहो भी हो 10 महीना 10 दिन का मायने कर्जो माफ कर देवगा ऋषा बहुत सा वादा करया के लागे
की कोनी करियो भाई आपके है वो मुंडो लुकोता फिरे गाँव में इन्ने बिन्ने और कदे तो कहीं हाथ जोड़ा कदे कहीं देश जोड़ा के जोड़ो थे करियो करायो है जो वो भी की कोनी करियो। इतना दिन हो गया कोई काम कोनी कर सके। एक विधायक विधानसभा क्षेत्र में पानी है बैग मां नहर में पानी में सिंचाई जद कद आज या कोई योजना के अनुसार आंको बे में कोई योगदान कोनी। योजना अनुसार आज या तो बे में भ्रष्टाचार है पक्षपात है और ए टाइप को काम कर रहे हैं तो कठे कर रहे हैं। कोई विधायक दिखा नहीं मन तो है वो सगड़ो जंगल राज दिखाई दे है अव्यवस्था दिखाई दे रही है। और बुडानिया विधानसभा दिख है या कौन दिख है कदे हाँ नरेंद्र बुडानिया विधानसभा में जो है वो कट्ठा ही कदी रखियो को नहीं। किसाना की मांग रखी होती तो अठे बिजली की समस्या क्यों होती अठे वो क्रोपटिंग के मामले में वो जिलों पिछड़ तो क्यों। अगर जो है वो हुआ तो होती सरकार की कोई योजना को लाभ मिलतो तो कट्ठे मिलियो है वो कोई नवयुवका ने किसाना ने कटे ही कोई व्यापारिया ने कोई तरह को कोई लाभ को नहीं। तो है व्यवस्थित सरकार है इसी सरकार ने तो जनता चाहे जितो जल्दी अगर जा विदा हो जा तो दुनिया को है वो लोगों को है वो दिनमान सावड़ है का आ सरकार जल्दी हो जल्दी विदा हो जा। और भी लोग उनसे जानते राम राम सबसे पहले उतने जी राम राम जी राम राम। आज जो यो महापड़ाव दे रहा हो यो जो बीजेपी के नेतृत्व में या फिर राकेश जांगड़े ने के कारण दे रहा हो देखो आज किसानों को महापड़ाव हमारे नेता राकेश जांगड़ के नेतृत्व में हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांग तो सरकार से ये है कि हमारे चूरू जिले के साथ सौतला विहार किया है और यहाँ चूरू जिले से 4 विधायक कांग्रेस के हैं और वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। चूरू जिले को जो बीमा क्लेम है वो सैटेलाइट के आधार पर देने के लिए बाध्य कर रही है जबकि हमारा पड़ोसी जिला है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट गंगानगर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर क्रॉपटिंग के आधार पर दे रही है जबकि हम लोग इसके पेनल्टी में सबसे पहले आते हैं लेकिन हम लोगों के साथ सौतला व्यार किया और इसके जिम्मेदार ये कांग्रेस का शासन और यहाँ के विधायक जिम्मेदार हैं क्योंकि वो लोग सरकार से आज तक किसानों की मांग नहीं उठाई। दूसरा हमारा जो यहाँ पर है कि हमारे जो युवा नौजवान हैं वो बार बार तैयारी करते हैं और बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। बहुत सारे आप देख रहे हो टीवी के माध्यम से अखबार के माध्यम से कि किसान है वो आत्महत्या करने वो किसान नौजवान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक बच्चा पहले से तैयारी करता है और जब पेपर देने के बाहर निकलता तो कहता है पेपर लीक और सरकार पेपर लीक करने वाले इस गिरोह माफिया पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक CBI जाँच हो और हमारे समझ में तो ये आता है कि सरकार के जो बड़े आका हैं वो इसमें लिप्त हैं पेपर लीक में। तो अगर CBI जांच होगी तो निश्चित रूप से इस राज के बड़े बड़े नेतागण इसमें लिप्त मिलेंगे और निश्चित रूप से वो गिरफ्तार होंगे लेकिन वो सरकार वो CBI जांच नहीं कराना चाह रही। कार तो कमेटी बनाई भी सभी तो जांच करवा सके ना। नहीं वो कमेटी तो इनकी कमेटी है यही जांच करवा रही है। हम CBI जांच चाहते हैं कमेटी के अंदर जो बनाई हो। 2-4 दिन पहले बलवानपुर विधानसभा में कहे बोले कमेटी भी कर सके जांच तो या बोले राजस्थान की सरकार कमजोर थोड़ी ना है। नहीं नहीं राजस्थान की सरकार तो कमजोर है बताओ आप लिप्त हैं माँ बलवानपुर तो सरकार के मास आगे जो सरकार की बात बोले लेकिन सरकार ही पेपर लीक कराने में लिप्त है। पूरी पूरी सरकार का सिस्टमिक फेल है। इसके अलावा जहाँ थरा जोर की है कि आज ही धरनो आज सिर्फ एक दिन के लिए ही दे जाओ को या फिर लंबो चौड़ो भी चालू जाओ। नहीं नहीं हमारो धरनो अनिश्चित महापड़ाव है। वो हमारे नेता राकेश जी जांगिड़ जब हम लोगों को आदेश देंगे तो वो हम करेंगे वो तो कहे कि शहर शोर कर लोग यही इकट्ठा हुए गांव का भी है कि कोई नहीं नहीं हमारा गांव का किसान ज्यादा है भाई साहब बैठे कौन से काम रहा भाई जी। मैं डाणी कुमार कहा कड़सी पड़े यहाँ डाणी कुमार 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पड़े। तो थारा के गाँव का माइन के समस्या है थारा जी मतलब नरेंद्र बुडानिया किशोर के काम करा गाँव में नरेंद्र बुडानिया विधायक ताने 47 बिहार करिए हमारे सके यानी तो नहरी भी नहर से काट के वहाँ गाँव 8 पंचायत तोड़ के नाके कर दी। अच्छा। एक नंबर तो यो है एक पीने को पानी मारे नरेंद्र बुडानिया पहुँचान कौन दे वो नाके पहुँचा दे आपके जगह नहीं जमाने पर पहुँचा हुआ दो बात एक में बेड़ा यहाँ करेगा जगह वोट दे अभी नहीं नहीं पानी पानी दे पानी और बात कौन वो न्यू कह के मैं वोटाने से बात करूँ थारे से बात कौन करूँ तो वोट को तरने के बेटा वोट दिया कि नहीं दिया लेकिन मारो कहना एक है कि मारी जो आज किसानों जो मुआवजो या क्लेम मिले वो क्लेम जहाँ पाँच जिला गंगानगर हनुमानगढ़ मिले जूँ जू मैं मिले हमारे साथ सोते वाली बार क्यों करे। गहलोत साहब ने कहे आज से 4-5 दिन पहले कि पेपर लीक तो राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं करिया ना कोई विधायक करिया ना कोई मंत्री करिया आ तो अपने आप ही हो गया अपने आप कोई किसानों खेतों ग्वालियों रेवड़ों ग्वालियों करिया मैंने
गहलोत साहब आके मुख्यमंत्री सचिन पायलट तो कह रहे हो या जादूगिरी है सुनो को भाषण में सुनो बस बंगे सागे ही है बंगे दो एक पहलू है एक रुपये का एक एक का दो पहलू पहलू है बंगो मतलब वो एक ही मारो किसाना का छोरा ने गरीबा का छोरा ने मजदूर का छोरा ने आते में तकड़ के मारी है आने कहा फांसी होनी चाहिए मारो खाने तो है बड़ी सजा और ने फांसी हो के बार बार पेपर लीक कर दी क्यों कर दी ये करने का अधिकार नहीं है अरे जनता में कौन पास हुए कौन लाग गए तो जनता पर लड़का पर हुए तो आपका लगा पढ़ाई के ऊपर है आपका लगावे आपका लाग जा बाकी मर जा लाख में लियो मैं तो और साची बात है अरगलो साहब कहेंगे लीक तो मंत्री को नहीं करियो ना कोई विधायक करियो ना कोई करियो राजस्थान गवर्नमेंट को मत ही हो गयो मत हो गयो मत नहीं हो साहब जनता सा इतो खिलवाड़ है आने वाली साल के माँ और जब चुनाव होगा सबक सिखाओगी जनता टाड़ को नहीं करे आइंदे शो काम को नहीं करेंगे क्यों और मारो विधायक ताड़ सा सोताली भरी इतो करियो को करे भी को नहीं वो तो बात ही को नहीं करे पानी का बोले मर तेने कद कहो मैं कद कहो तेने पानी ला के दूँ ओ बा आँख काटी ललकार दे पीड़ हो रहा एकदम कोई मतलब नहीं काम करे जनता से कोई मतलब को नहीं वोट मारे तो लांग में है लांग में हमें वोट आ बात और कह माने सगे डरा और दे नरेंद्र बुढ़ानी हो या कहे आ कह वोट मेरे कन्ने घणाई बाबा थाने के इलाके थे बीजियां कटिना कौन सा गांव से आया हो कौन सा गांव आया हो बाबा निवासी हो निवासी हो तो के किसो के यो आज के कारण धरना दे रहे हो दे आज बीमा क्लेम को और के है तो जहां बैठो तो आराम बैठो थाने बतला 2 मिनट या बताओ जी थे यो धरनो धरनो दे रहे हो तो नरेंद्र बुढ़ानियो किशो के काम कराए हुए है एक कर आओ है फिर मन्ने कोई संभाले नहीं कोई और नहीं वोटर मतलब भी आओ है एक कर छह महीना बाद में वोट और आया रे आया दे दे आज जाएंगे तो कौन आ जाएगा नरेंद्र बुढ़ानियो के सही आऊंगा नरेंद्र बुढ़ानियो के राकेश जांगिड़ का धरना मैं आ रहे हो राकेश जांगिड़ का धरना मारे हो तो मैं तो सीधा ही आवा सगड़ा में धरना में आवा मैं तो ये तो लग गया पाम सुमड़ा में आवा मतलब तारो काम करा अभी के चले जाओ दे हां तो के लागे राकेश करवा दोगे राकेश करा दोगे समाज की ताकत करवाओ करण तो नहीं है कि बाप आपको सोचो है अच्छा चलो बढ़िया ठीक है बाबा थोड़ा सा दिखाने ठीक है बाबा बैठे आ कन पूछा दिखाने बाबा राम 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 बाबा आज जो यो धरनो दे रहे हो के कारण दे रहे हो थाने के लागे ओ के किसाना की समस्या हो रही है ओ कलेम को धरनो है अच्छा हां कलेम खातर बैठा थारो एडा को विधायक है नरेंद्र बुढ़ानियो यो कोई विधानसभा में आवाज ऊंच कोनी उठाएगी तो कोई फायदा मिले को नहीं बुढ़ानी जी के बारे में मान तो विधानसभा सत्र चल रहे है के बता अभी तो मिले को नहीं फायदा जी आखिरी विधानसभा सत्र है इमें बजट भी आवेगो तो के लागे नरेंद्र बुढ़ानियों की लाओ गोगे तारा नगर खातर मान तो तूते तो लाया कोनी जो अभी मान तो आज कोनी आ गई आज कोने आ गई आज तो चार साल में ही कौन लेगे नरेंद्र बुढ़ानी ना मार तो किंग लेगे कोनी अभी तानी रा बागा आगे देखी जाएगी भारत की को ले और ये अड़ी नहर ना आ पानी को किस हो के है पीने वाले कोनी पानी नहर तो बहुत दूर रहेगी पीना रोई कोने तीस मिनट तमर ला रहे हैं आज वो यो धरनो दे रहे हो एक दिन में उठा दोगा या लंबो चाले को ना वो लंबो ही चाले को अब एक दिन को जरूरी कोनी मारी मांग जता नहीं पूरी नहीं हो जता नहीं चालू रहे देखो बाबा मैं अठे बैठे रहा मारे बांगे बैठे रहा मारे बांग पूरी न होगी ये पुलिस वाला उठा देगा जना तो मारी मांग मांग रहे हैं मारो हक मांग रहे हैं सरकार तो लटका दम्पे उठा देवे लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहा मैं तो मारी मांग मांग रहा सरकार तो उठा देवे लटका दम्पे किसानों को हक मांग रहा किसानों को हक मांग रहा बीमा क्लेम को बाबा और बताओ एक अड़सा आया हो तारनगर आठ हुआ तारनगर में कौन सा गाँव हूँ तारनगर हूँ प्रॉपर कौन सा वार्ड हूँ चौबीस नंबर वार्ड हूँ तो ये बताओ के मांगा है तारी भी अरे आपका किसाना ने की दी को नहीं बारह लूणा सिरो में खेते एक तो रोटी पानी काट दिए मार तो मान मिले को नहीं जटा जटा काम लाग रही हो पानी और पानी लाग रही नहीं है तो नरेंद्र उड़ाने के जटा जटा काम करावे जटा जटा कराए और कहीं कराए और कोई भी कौन करावे और भार तो कौन करावे के माना मार तो कराए कौन के माना में वोट तो सही देवे जाटी थोड़ी देवे वोट वोट दे के सारो पुगो मैं तो कौन दिया मैं तो कौन दिया जाई कोनी लेकिन कौन दिया मैं तो राखे जांगड देगा राखी जागीर ने देगा तो राखी जागीर थोड़ी कराओगे बुढ़ानियों कराओगे काम तो कराया तो कौन गई मार तो लोना सूट गांव में बने खेत आज काट दिए उल्टी हो तार और गाज वाला काट कोई कौन बैठे होगे जाट बैठे आपने के मुंडा वाला जाट के मोल भी का है या जाट बैठे मुंडा वाले जाट के करा ये भी जाट ही बैठे बता बैठे आपने के लिए जाट बैठे तो दे दो का हां तो काम अब सही को क्लास करा दियो रिया सिखरा दियो ढोला में करा दियो गाज वाला तार लोना सवाल मानो पर रख दिया राहुल कसो करायो कौन करायो काम करायो के काम करायो करायो बापड़ो किन के राहुल के उसमें
करायो राम जी नहीं राहुल कसु हो बेरो छोरो अब और ठीक है बानो वो करावे है के करायो के का काम तो करावे हो जी आप चाचा लाख रुपया आ गया मैं दिलवा दिया माने अच्छा और काम कराए बगे इसको नाम कमरा करवा दिया रोड रोड को काम चलने लाग रियो है जगह जगह रोड काम चलने लाग रियो काम फुल करायो बने राहुल कृष्णा काम फुल कराए हुए सरकार करियो कांग्रेस आर तो कहे बीजेपी आरा कौन करावे बीजेपी आरा कहे कांग्रेस आरा कौन करावे यूं कहनो कोई की कौन मंटा बीजेपी सरकार है वो काम करावे फुल बीजेपी सरकार फुल करावे हमारे लिए तो आएंगे कोई मौजूदगी हो बीजेपी सरकार मौजूदगी अब कह दियो कांग्रेस सरकार आमन की कौन मिलियो ऐसी तरह रखा है गेलो तो कह रहे लोन माफ करियो मैं काम करियो एक कोई कौन करियो गेलो तो कह गया मैं माली हूं तो भी मैं ही कहना रही हूं ते माली हो गए तो गेलो तो सपोर्ट में हो गए फिर ना मैं तो कोनी सपोर्ट में है तो बीजेपी के हां बीजेपी वहां हमारी पार्टी वहां तेरी पार्टी है बीजेपी चलो ठीक है ये बाबा कह रहे कि बुढ़ाने तो जटा जटा काम करा धन के लगे ऐसी मैं सबसे पहले तो आरजे टीवी 24 का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनके दर्शकों का आभार करता हूँ। सबसे पहली बात है कि हमारा तालनगर एरिया बहुत शांतिपूर्ण एरिया था और सामाजिक समरसता की यहाँ मिसाल दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में हमारे तारानगर में जो सामाजिक समरसता तोड़ी है इसके लिए वर्तमान जनप्रतिनिधि या कोई जाति पांति का कभी कोई मैटर नहीं रहा है। हम 36 कौम और विरोधी साथ साथ रहते हैं, ये बेतुकी बात है। हम सब साथ रहने वाले हैं, चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो बाणिया राजपूत चाहे हरिजन हो, सभी जाति हम साथ रहते हैं। दूसरी बात, आज हमारा यह मापड़ाव है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर है कि फसल के उत्पादन के आधार पर हमें क्लेम दिया जाए, जबकि चूरू जिले में मौसम आधारित क्लेम आया है और इसमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ये पड़ाव दे रही है। दूसरी, यहाँ राजस्थान में पिछली 2018 से 23 तक कुल 28 परीक्षाएं आयोजित की हैं राजस्थान सरकार ने, उनमें से 18 पेपर लीक हो चुके हैं, उनके पुख्ता सबूत हैं, और 10 पेपर भी लीक हुए हैं। ये पेपर लीक नहीं करती है, पूरी सरकार ही लीक है। जब से पिछले 4 साल से जब से ये सरकार बनी है, ये झगड़े पर टिकी हुई सरकार है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो एक दूसरे के कभी आप तो आज तक उनका कोई तालमेल नहीं है, और सबसे बड़ी इसका नुकसान पहुंचा है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को और युवाओं को। इसके खिलाफ हम आज मापड़ाव दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पिछले दिनों -2.5 डिग्री तापमान चला गया और आज तक गिरदावरी नहीं हुई, किसान की पूरी सरसों की फसल चौपट हो गई, चने की फसल चौपट हो गई, उसके लिए हम दे रहे हैं कि गिरदावरी की जाए। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में पिछले जितने भी साल जब से मैंने सूद संभाली है उससे लेकर आज तक तारनगर के अंदर जितना व्यापक भ्रष्टाचार, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे गाँव देहात में हो, देहात में भय का वातावरण बनाकर बुढ़ानिया के जो 15-20 नीचे उनके जो गैंग है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और यहाँ का जो भी तहसील खास आदमी है मतलब कहने को मतलब यो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और यहाँ चाहे SDM ऑफिस हो चाहे तहसील हो चाहे हर विभाग में यहाँ अपने कांग्रेस के एजेंट बिठा रखे हैं, वो हफ्ता वसूली का काम करते हैं, और कोई भी गरीब किसान यहाँ आता है तो उसका ये यहाँ नहीं तो कोई काम होता है और नहीं और होता है। और बुढ़ानिया दिखाई देवे कौन देवे विधानसभा में नरेंद्र बुढ़ानिया केवल आप दिखाई देता है, चुनाव नजदीक आ गया, अगला चुनाव उसे दिखाई दे रहा है, आज तक वो उसने दिखाई दिया। केवल मात्र उन्होंने 3 माइनर स्वीकृत करे, उनका 39 करोड़ बजट है, उनको वो अपने अपने भागीरथ साबित कर रहे हैं। पिछली वसुंधरा सरकार में माननीय जैनराम जी पुनिया ने 80 करोड़ स्वीकृत कराए और टंकियों का काम था उस काम को किसानों को रोक दिया, और यहाँ जितने भी काम थे जल जीवन मिशन माननीय नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को तारानगर में यहाँ फैल कर दिया गया, और प्रधानमंत्री आवास योजना पिछली बार यहाँ राजस्थान सरकार में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ थे, उन्होंने अंतिम समय में यहाँ तारानगर पंचायत समिति के 7,000 गरीब परिवारों के नाम जुड़े प्रधान आवास योजना में, उन ज्यादातर नामों को इन्होंने हटाने का काम किया। यहाँ पूरी तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ एक दूसरे लूटपाट मची हुई है, और इन्हें यह भी पता है यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के नेताओं को कि राजस्थान में से कांग्रेस अब सदा सदा के लिए विदा होने वाली है। ये कहावत है कि जानते चोर का जिंटा अच्छा, रावड़ा उपेल तेल पल्लम या चुए कहावत हैं, वो हकीकत बन चुकी है इनकी। यहाँ उन्हें पता चल गया कि राजस्थान में जिस तरह गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस समाप्त हो गई है, और समाप्त होती कांग्रेस को यहाँ इसके एजेंट हैं वो लूटने के अंदर लूटे, चाहे थाने के अंदर आप जाकर देखिए, थाने के अंदर जब भी राजीपा में पिछले कई बार थाने के अंदर जाने का काम पड़ता है, जहाँ दोनों पक्ष राजीपा कर लेते हैं, उसके बाद में जहाँ का SHO उसके पास जाते हैं कि दोनों ने राजीपा कर लिया है, आप FIR लगा दिए, बोले मैं FIR नहीं लगा
लगा सकता, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, 25,000 रुपये देने, जबकि दोनों पक्षों राजीपा करने के बाद में 25,000 रुपये देते, नहीं तो हम चालान करेंगे, ऐसी हालात बना रखी है। और लूटाखोज मचा रखी है, मचा रखी है, श्रेया मचा रखी है, सब विभागों में लूटाखोज है। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग, उसमें भी यहाँ लूटाखोज है। शिक्षा और स्वास्थ्य, धन्यवाद। और भी कुछ लोग है, बस जानने चाहो, साफ पारा बाबा बैठे है, बाबा बैठे है, बस जानने को, बाबा राम 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 राम। बाबा एक चीज बताओ, कौन से गाँव आए हो पहले तो? रानी तेतरवाल। तो बाबा आज जो किसान माँ पड़ाव दियो जा रहे हो, गाँव साफ फारा थे दिखा हूँ मैंने, तो के कारण दे रहे हो? माओ तो नहीं मिलने, मुझे कोरकटी के साथ माओ मिलना चाहिए। तो नरेंद्र बुडानी उठाओ विधायक है, वो किसो के काम करायो, करायो कौन करायो की कौन करायो तो? तो आज यहाँ जो ते माँ पड़ाव दे रहे हो, एक माँ तारी के मांगा है मियाँ? मैं मांग आई है मुद्दो किसान मुआवजा मिले करो, कटिंग से पेपर लीक है, ये जब पेपर लीक हो रहा है, मैं के लागे थारा छोरा पढ़े के सारा कौन सी क्लास में पढ़े? मास्टर वाले, मास्टर तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार पेपर लीक हो रहा है, के करना चाहूंगा थे गहलोत की सरकार ने? गहलोत सरकार गिरफ्तार करना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच तो हो जाएगी सोल्यूशन। बलवान पूनियो तो न्यू कह रहे हो कि सीबीआई जांच तो क्यों कोने आवे हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोने करे? फिर हिंदुस्तान लटकते फिर बाबा थे के करना चाहो थे बताओ। मैं यहाँ कहना चाहूँ कि एक बाप के दो बेटा हुए, एक ने बाप सारो बैठो, हाँ बैठ के बताओ, एक ने तो पूरा धंधे दे, एक ने सीधो राख दे, वो दूसरा सीधो रोड़ो बेटो कितो मतलब दुखी हुए। अच्छा है, आ कहना चाहूँ मैं सारे पड़ोसी आन दो हिसाब से दे दियो, मैं कटिंग काटिंग बे जानू को नहीं, मानगढ़ में गए। हाँ अच्छा, अरे मैं बैठे हाँ सीधा। अच्छा, तो मैं यहाँ करा के कि दो एक बाप के दो बेटा हैं तो बराबर वो हक मिलना चाहिए। तो ये हटा थारा है तो विधायक भी कांग्रेस का है, वो किंग होने कराया कि तो कांग्रेस और बापड़ो कराया, मेठ है बूढ़ा आदमी तावड़े में क्या दुख पावा दो तो आज धरना देने से तान लागे के हो जाओ काम भाई, नहीं हो जी तो रोनो तो मारे सारे है, अब तो नहीं हुए तो नहीं हुए, कितना दिन बैठोगा भाई? उम्री गार्स का बात कर लिया नहीं, किसान बात कर लिया नहीं, फिर हटे ही को नहीं, जिद कर ली आज तो? आज तो मियाँ थोड़ी थोड़ी गड़ी है, कल और देखा, आज वातावरण देखा, बाद में पूरा ही पड़ाव। और ये जो पेपर लीक हो रही पे के कहना चाहूंगा? तो यहीं पर तो भाई कह दियो के दोनों जना कहना के बड्डी हुए तो कह दियो, बता दो तारो की मेरी राय है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि तारानगर के किसानों के द्वारा महापड़ाव दिया जा रहा है, और यहाँ पे किसानों की मुख्य मांगे ये हैं कि एक तो फसल का बीमा का जो क्लेम है वो सरकार है जो पड़ोसी जिले को एक तो देख के किया जा रहा है, और यहाँ पे सेटेलाइट के आधार पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे यहाँ के किसानों को भी जो है मुआवजा वो बराबर दिया जाए, और यहाँ के लोगों की एक मांग ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें सीबीआई जाँच है वो की जाए। अब विधानसभा सत्र भी चला जा रहा है, तो इसमें क्या सरकार इस पे कोई कड़ा कदम उठाएगी? बहरहाल ये देखना होगा। आप जुड़े रहिए आरजे टीवी 24 पे। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़।